दर्शकों, मैं लक्ष्मी पांचाल एक बार फिर हाजिर हूँ आपके साथ बड़ी ताजा खबरों को लेकर। चलिए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की ताजा बड़ी खबरों की ओर। स्वच्छता पखवाड़े पर मुस्लिम व दलित बस्तियों में चली प्रधानमंत्री की झाड़ू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी व उत्तर प्रदेश शासन के आदेश पर चलाए जा रहे स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत आज 1 अक्टूबर 2023 को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सोशल वेलफेयर सोसाइटी उत्तर प्रदेश द्वारा जनपद हापुड़ के नगर पालिका परिषद हापुड़ के वार्ड नंबर 33, वार्ड नंबर 28, वार्ड नंबर 22 में युद्ध स्तर पर मुस्लिम व दलित बस्तियों व सरकारी अस्पताल आदि में स्वच्छता अभियान चलाया गया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सोशल वेलफेयर सोसाइटी के चेयरमैन मोहम्मद दानिश कुरैशी के नेतृत्व में चलाए गए स्वच्छता अभियान में मोती कॉलोनी नगरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र UPHC में अस्पताल के स्टाफ और मरीजों का व आमजन को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई और अस्पताल की सफाई की गई। निवाजीपुरा सिकंदर गेट भंडार पट्टी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम चौक कोटला मेवातियान आदि में स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत झाड़ू लगाकर आमजन को जागरूक किया गया और स्वच्छता की शपथ भी दिलाई गई। इस मौके पर स्वच्छता अभियान में सोसाइटी के चेयरमैन मोहम्मद दानिश कुरैशी, कोषाध्यक्ष दिलशा अली, प्रबंधक आसिफ मेवाती, कोआर्डिनेटर राशिद अली, डॉक्टर आमिर वसी, मोहम्मद इरफान खान, मोहम्मद परवेज, शादाब अली फरमान, राशिद भगवान दास, UPHC के डॉक्टर अप्रू मावी, अजीत सिंह जूही, मोहम्मद अहमद, गौरव अकरम अब्बासी आदि मौजूद रहे। हापुड़ से संवाददाता मोहसिन खान की रिपोर्ट। अपने आसपास खुद स्वयं से सफाई अभियान चलाकर अपने वार्ड